हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाइकर नामा के इस एपिसोड में, जहां हम एक ऐसे एक्सेसरी के बारे में जानेंगे जो कि आपके लॉन्ग राइड में बहुत काम आएगा। तो ये है MI का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर। तो इसे अनबॉक्स करते ही पहले हमें इसमें कैरी पाउच एक दिया जाता है, ये कैरी पाउच, और दूसरा है जो इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर है उसे चार्ज करने के लिए USB केबल। बॉक्स को खोलते ही हमें इसमें एयर कंप्रेसर, जो कि बहुत लाइट वेट है और पोर्टेबल भी, और साथ में हमें यूज़र मैनुअल दिया जाता है। तो इस MI पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर के यूज़र मैनुअल में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 5 मोड दिया जाता है, जिसमें से पहला है मैनुअल मोड, दूसरा दिया जाता है बाईसाइकिल मोड, तीसरा है मोटरसाइकिल मोड, चौथा है कार मोड, और पांचवा है बॉल मोड। तो इस MI इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर को चालू करने के लिए हमें कोई बटन नहीं दिया जाता है, हमें यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में इसे हमें पुल करना है ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एयर कंप्रेसर चालू हो गया है। तो यहाँ पे हमें 4 बटन दिए जाते हैं, प्लस माइनस, और ये यहाँ पे हमें फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे मोड्स चेंज करने के लिए हमें बटन दिया गया है राइट साइड में। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट साइड का दबाऊँ, जो कि फ्लैश लाइट का है, तो ये देखिए फ्लैश लाइट चालू हो जाता है। तो अगर ये PSI, जैसे कि ये प्लस और माइनस कम ज़्यादा करने के लिए, मैं प्लस दबाऊँगा तो 32, 33, 34, और ये माइनस दबाऊँगा तो वैसे कम होने के लिए। और यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में मोड्स दिए जाते हैं, जैसे कि ये साइकिल मोड, यहाँ पे सेकंड है मोटरसाइकिल मोड, थर्ड है कार मोड, और फोर्थ है बॉल मोड, और फिफ्थ आपको पता ही है मैनुअल मोड, जैसे कि मैंने आपको यूज़र मैनुअल में बताया। तो ये है TVS Apache RTR 164V। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आगे के टायर के लिए 25 है और पीछे के टायर के लिए 32 है। तो चलिए हम पीछे के टायर में हम चेक करते हैं कि एयर प्रेशर कितना है हमारे इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर के साथ। तो इसे हमने चालू किया, इसे हमने मैनुअल मोड में ही 32 PSI सेट किया। इसे हमने इस नोजल को हमने यहाँ पे टाइटली लगाया, जैसे ही टाइटली एक बार लग जाएगा तो हमें जो टायर में कितना प्रेशर है वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे 20 PSI दिखाई दे रहा है, बट हमें चाहिए 32 PSI। तो हम इसे चालू करने के लिए यहाँ पे बीच में एक बटन दिया गया है, ये बीच का बटन हम दबाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर ने फील कर दिया। अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए बाइकरनामा के साथ, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।